अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो हमारे पास 11.3 का। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर्स। रुखसार ने क्या किया, पेंट किया किसको, एक क्यूबॉइडल बॉक्स शेप का एक बॉक्स है जिसकी लेंथ पेंट और हाइट दी है। आपने बताना है उसका सरफेस एरिया, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ़ शी पेंट ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। बॉटम के बगैर उसने हर एक एरिया को क्या किया है, पेंट किया। तो आपने बताना है तो इसका कितना एरिया था। तो हमें पता है कि अब हमने टोटल के बजाय बॉटम छोड़ देना है। बॉटम एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है सिर्फ चार साइड्स का एरिया। चार साइड्स का एरिया जो है क्यूबॉइड का वो बराबर होता है टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। और इसके साथ हम एक टॉप का एरिया निकालेंगे, वो है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर। ठीक है, तो लेंथ हमें पता है, ब्रेथ हमें पता है और हाइट हमें पता है। तो एरिया ऑफ कैबिनेट डेट वॉज पेंटेड को कितना है, वो है टू टाइम्स पहले चार साइड वॉल्स का, ये तो चार वॉल्स का एरिया, दैट इज टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ और इनटू ऊपर वाली फर्श। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके देख लें। वैल्यू आपके पास टू इंटू लेंथ 1.5 प्लस इंटू टू प्लस 1 इंटू टू इंटू 1 दैट इज 3 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज 3 और 2 होते हैं 5। तो ये आपका आएगा 9 प्लस 2 होते हैं 11 मीटर स्क्वायर आपका एरिया इसका रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड द सीलिंग ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल विथ लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है जिसकी, फॉर ईच केस कैन ऑफ पेंट। तो वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे अपने बताना है कितना पेंट लगेगा। ठीक है, एक पेंट कैन में कितना पेंट है 100 मीटर स्क्वायर, तो बताओ कितने कैन लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हॉल का एरिया निकालते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है, टू टाइम्स पहले चार वॉल्स फिर उसके बाद फर्श का एरिया टू टाइम्स लेंथ प्लस इन टू ब्रेथ। तो वही एरिया आपने फिर से निकालना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दी है। तो फिर से देख लें, वैसा ही क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेटरल सरफेस एरिया दैट इज टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट और लेंथ ब्रेथ। वैल्यू पुट करेंगे आप तो आपके पास आंसर आएगा 500 मीटर स्क्वायर। 500 मीटर स्क्वायर आपके पास आंसर जब आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये हमारे पास दिया है कि 100 मीटर स्क्वायर से हमें एक केन है, एक केन में 100 मीटर स्क्वायर है जिससे हम एक केन से हम पेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने केन लगेंगे, तो टोटल एरिया डिवाइड पे एरिया वन केन, एरिया एक केन से कितना हम पेंट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स 500 टोटल है डिवाइड पे एक पेंट केन से कितना कर सकते हैं 500 मीटर। तो दैट मीन्स कितना, कितने केन लगेंगे, 5 केन लगेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, आपके पास दो फिगर्स हैं। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ टू डिफरेंट एरिया राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। तो हमें बताना है कैसे ये एक जैसी और कैसे ये अलग अलग है। तो हमें पता है इन दोनों की हाइट सेम है, तो इस लिहाज से ये एक जैसी है। सिमिलरिटी क्या है बिटवीन दो फिगर्स की, कि दे हैव सेम हाइट, दोनों की हाइट सेम है। अब दोनों का सरफेस एरिया हम निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूब का, तो आपके पास आएगा साइड क्यूब, सॉरी साइड क्यूब नहीं, फोर टाइम साइड स्क्वायर दैट इज 4 इंटू साइड आपका 7 है, 7 × 49 इंटू 4 दैट इज 196। उसके बाद अगर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का निकालने का, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, एच आपकी हाइट है 7, आर आपका रेडियस डायमीटर 7, तो रेडियस होगा 7 डिवाइड बाई 2। तो वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर का वैल्यू आपके पास 7/2 इंटू हाइट आपके पास 7 है, तो टोटल कितना है 154। तो एक दोनों में किस किस चीज़ की डिफरेंस है, लेटरल सरफेस एरिया दोनों का अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक जिसका रेडियस आपके पास दिया है और हाइट दिए यह बता रहा है कि मैं ये शीट एक से बनाया, तो बताओ कितना है शीट लगी होगी इसको बनाने के लिए। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके कितना है, वो है पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, तो आपको एच भी दिया है, आर भी दिया है, रेडियस भी दिया है, रेडियस है 7, आर एच के दिए 3। तो आप वैल्यू पुट कर दें, 2 × 22/7 × 7 तो मल्टीप्लाई करेंगे 440 मीटर स्क्वायर आपको शीट लगेगी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, हाँ 8 क्वेश्चन नंबर में देखें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन समझा दूंगा मैं आपको। लेटर सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, इट इज़ कट अलॉन्ग इट्स हाइट एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट अबाउट दिस। तो इसका पेरीमीटर आपने बताना है रेक्टेंगुलर शीट का। तो लेटर सरफेस एरिया इसका सिलेंडर का दिया है, सिलेंडर को हमने काटा, जब बी से काटा तो एक शीट बन गई। तो शीट का आपको क्या दिए, विड्थ दिए, आपको बताना है इस शीट की इसका पेरीमीटर कितना होगा। ठीक है, तो हमें पता है हॉलो सिलेंड्रिकल सरफेस का हमारे पास लेटर सरफेस एरिया दिया है, तो यही एरिया शीट के एरिया के बराबर होगा, क्योंकि इसी सिलेंडर को हम काट तो रहे हैं ना। दैट मीन्स एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है,